ना ना कोई दिक्कत नहीं। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। अभी हम लोग आ रहे हैं ऑटो एक्सपो 2023 में, और जो कि है ग्रेटर नोएडा में। बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके हम लोग आ गए। तो हॉल नंबर 14 में सबसे पहले हम जा रहे हैं, क्योंकि टाटा है यहाँ पर। भाई ये है टाटा का अवान्या, देखो क्या साइज है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट है अभी, बट लेकिन गाड़ी देखो क्या सॉलिड लग रही है, जबरदस्त। भाई ये देखो इसका कॉन्सेप्ट है, ये आगे की फ्रंट देखिए, लाइन देखिए, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त लग रही है। और इसकी ग्रिल देखिए, अभी लाइट जलेगी तो ग्रिल भी दिखाई देगी। ये देखो क्या जबरदस्त ग्रिल है यार, बहुत ही फैंटास्टिक फ्यूचरिस्टिक लग रहा है बिल्कुल। और अगर ये आ गई गाड़ी भाई, तो मतलब इसी शेप में थोड़ा बहुत चेंजेस करके मेरे को लग रहा है धमाल मचा देगी। क्रॉस ओवर से ये लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। सेकेंड ऑप्शन हैरियर ईवी, आगे के ग्रिल्स वगैरह सब चेंज कर दिया। और ये देखो ये लाइटिंग जा रही है, JDRL जो है वो फ्रंट में भी जा रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और इसके हेलोजन जो बल्ब्स की बात करोगे, आगे हेडलैम्प्स की देखो हेलोजन बल्ब्स हैं, और नीचे ही DRL दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हल्का ये DRL फॉग लैम्प दिए हुए, और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। और ये देखो ये DRL जा रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अगर मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको एक बार, और रियर में देखो वही स्लिक इंडिकेटर्स हैं, हैरियर ईवी की बैजिंग है। और ये देखो पूरी की पूरी लाइटिंग जा रही है भाई, बहुत ही जबरदस्त लग रही है। हैरियर ईवी भाई साहब आने वाली है बहुत जल्द, ऑलमोस्ट मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप देख सकते हो। हालांकि टायर साइज बहुत बड़ा लग रहा है, MRF का ये टायर है, और साइज मुझे लग रहा है 19 इंचेस का है। इतना बड़ा टायर नहीं आएगा, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट ये लग रहा है मुझे तो। हालांकि जैसे जिस तरीके से पता है कि टाटा जो है बहुत जल्द ईवी पे बहुत ध्यान दे रहा है, तो हो सकता है इसी साल या नेक्स्ट ईयर ही आ जाए। भाई मैं सियारा का दीवाना हूँ, सीरियसली मैं टाटा सियारा का दीवाना हूँ। और ये देखो सामने खड़ी भी है, ये गाड़ी आई ना भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बेच के मुझे लेने पड़े ये गाड़ी मैं लूंगा। हालांकि ईवी में इसकी बैजिंग आ रही है कि ईवी में है, बट लेट्स सी, अगर ईवी में आएगी तो मेरे को विचार करना पड़ेगा, बट अगर डीजल या पेट्रोल में आएगी तो हो सकता है मैं इसकी तरफ जा पूं। पर ये भाई साहब क्या देखो क्या सही है, आगे बैजिंग इसकी टाटा की बैजिंग है, और DRL देखो टाटा की ग्रिल्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही आ रही है, जो इनका अब कॉन्सेप्ट है फ्यूचर कॉन्सेप्ट वो इसी तरीके से है। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलमोस्ट रेडी प्रोडक्ट है ये। और सियारा का जो पीछे शीशा है वो देख सकते हो आप, पूरा का पूरा सेम वैसा ही जा रहा है भाई, जबरदस्त लग रहा मुझे तो। भाई थर्ड गाड़ी है कर्व ईवी, ये तो हालांकि कोई भी कॉन्सेप्ट है। और ये देखो इसकी जो DRLs हैं और लाइट्स इंडिकेटर्स हैं वो साथ में ही दिए हुए हैं। हेडलैम्प देखिए, फॉग लैम्प मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। आगे की ग्रिल देखिए, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है यार। टाटा ने लोगो अभी तक चेंज नहीं किया, इसको लोगो चेंज कर लेना चाहिए, तो पता नहीं उस पर काम कर रहे नहीं कर रहे। बट इसके देखो टायर्स देखो भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त लग रही है। साइड प्रोफाइलिंग की बात करें तो ये देखो किस तरह की, कितनी प्यारी लग रही है, कूपे स्टाइल ये लग रही है। अगर ये आ गई तो ये भी मुझे लग रहा है, देखो भाई सेल फिगर्स में जो है टाटा ऑफकोर्स हुंडई को पीछे करता है, कभी भी आगे हो जाता है, बट काफी अच्छा मार्केट ग्रैब कर दिया है। बट उसका उसके पीछे रीजन भी आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए कितना एग्रेसिवली टाटा काम कर रहा है। और इसकी लाइट देखो यार, ऑलमोस्ट पता है एल्ट्रोस जैसी हल्की हल्की लग रही है, जो पीछे की इसके रेयर लुक है, बट इसका और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। देखो पीछे से कितना उठा हुआ है, ऊंची भी भाई साहब बहुत ज्यादा है। हालांकि कोई ऐसा फिगर्स नहीं है, बट मुझे लग रहा है एटलीस्ट ये 200 mm तो हो गई भाई इन टायर्स के साथ, बाकी मेरे को लग रहा है टायर ये देंगे नहीं, कम कर देंगे। तो लेट्स सी जो भी होगा वो जब आएगी ये गाड़ी तब पता लगेगा। गाइस ये है टाटा पंच CNG, और इस गाड़ी के बारे में जो बोला जा रहा है कि भाई ड्यूल सिलेंडर है इसके अंदर, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। बाकी इसमें आगे से मुझे कोई चेंज नहीं लग रहा है फिलहाल, एग्जैक्टली सेम वैसे ही गाड़ी है। नीचे फॉग लैम्प्स, ऊपर हेडलैम्प्स जो कि प्रोजेक्टर में आ गए हैं देखो, जो कि टॉप मॉडल में आते ही हैं, और वही DRLs विद इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर। और ड्यूल CNG सिलेंडर्स 150 लीटर, तो डिसेंट सा जो है वो 150 प्लस इसका जो है वो है सनरूफ विद वॉइस असिस्ट। सो इसमें जो है सनरूफ भी आ रहा भाई, ये देखो टाटा वाले ने सनरूफ देगी। टाटा के सनरूफ आ गई है भाई विद वॉइस असिस्ट, आपको वॉइस असिस्ट मिलेगा, ये इसमें नया फीचर है। ये भाई ने मुझे भी बताया, देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है। हालांकि छोटी सी सनरूफ है, बट इतनी बड़ी मतलब कॉम्पैक्ट SUV यार, और क्या लोगे, जबरदस्त लग रहा है भाई साहब। और भाई आप गई है आप लोगों की प्यारी एल्ट्रो CNG, तो जिन लोगों को भी टेंशन होती थी यार टाटा की गाड़ियों में आफ्टर मार्केट CNG लगानी है, कोई जरूरत नहीं है, बाहर से कोई भी चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जैसा वो आपको एल्ट्रोस में आते ही है। जो चेंज है वो यहाँ पर है, इसमें भी सेम चीज कर दी है, सनरूफ दे दिया विद ऑडियो असिस्ट। और ये देखो ये इसका सनरूफ है ऑडियो असिस्ट के साथ दे दिया, और वही ट्विन सिलेंडर। इसका बूट स्पेस कितना आफ्टर दिस सिलेंडर? 150 प्लस। अच्छा 150 प्लस,
अच्छा वही 150 एग्जैक्टली सेम चीज है, देखो ट्विन सिलेंडर और बिल्कुल पैक कर दिया, दो सिलेंडर लगे हुए, उसके बाद भी 150 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाता है, तो अच्छा खासा हुआ है। सीएनजी इंस्टॉलेशन इंडियाज फर्स्ट ट्विन सिलेंडर, तो भाई कुछ ना कुछ तो नया कर रही है टाटा, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा है, ये तो फैक्ट है। बाकी हालांकि गाड़ियां लॉक्ड है तो अंदर जाके नहीं दिखा पाऊंगा, बट भाई इसकी सीट्स वगैरह ये तो सारी आपने देखा है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। मेन चेंजेस ये है कि ट्विन सिलेंडर और ये सनरूफ। भाई अल्ट्रोज रेसर इसके अंदर बता दो क्या क्या चेंजेस है। एक तो सबसे पहले आप देखेंगे ग्राफिक्स का चेंज है, ब्लैक कर दिया है ऊपर से, दो स्ट्राइप्स लगा दिया व्हाइट कलर की ऊपर से लेकर जो एंड तक जाती है, ये देखिए पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाती है, और यहाँ पर भी ये तो पहले से ब्लैक था बट यहीं तक आती है, रेसर वाली जो फील देता है। एक देखो इसके जो ग्लास है वो हल्के से ब्लैक कर दिए हैं, तो ये भी एक अच्छा लुक आ रहा है भाई, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। हालांकि आई डोंट थिंक ये ग्लास ब्लैक वाले के साथ बहुत ही जबरदस्त लग रही है, बट मुझे नहीं लगता कि ब्लैक ब्लैक के साथ ये लॉन्च करेंगे। और अंदर क्या चेंजेस है वो देखिए, जो इसकी सीट्स है उसके अंदर भी देखिए रेड व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स दी हुई है जैसा कि बाहर इंटीरियर में है, और इसकी टच स्क्रीन इसमें दे दिया है, जो है टच स्क्रीन भी वो देखो बड़ा सा है, इसका जो टच स्क्रीन है वो देखो बड़ा सा है। और क्या चेंजेस है भाई, और 6 मैनुअल गियर्स आते हैं इसके अंदर, देखिए 6 मैनुअल गियर्स है, पहले इसमें 5 आते थे अब 6 आ गए, और वही वॉइस असिस्ट के साथ सनरूफ। भाई सर मेरे को लग रहा है हर गाड़ी के साथ सनरूफ देना स्टार्ट कर दिया टाटा ने, टाटा मार्केट ग्रैब करके लगे, मुझे लग रहा है मारुति भाई ध्यान रखना पड़ेगा मारुति को। और पीछे से अगर इसकी लुक की बात करोगे तो एग्जैक्टली सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, वही वोकल फॉर लोकल वाला बैच है, बाकी ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। अल्ट्रोज और जबरदस्त टाटा योद्धा, तो ये तो फिलहाल 1.8 लीटर है और ये कमर्शियल पर्पस के लिए, बट भाई साहब अगर बाहर वैसे अगर कोई कमर्शियली इसका यूज़ कर रहा हो तो बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे खड़ा हुआ देखो क्या जबरदस्त लग रहा है। और योद्धा सीएनजी भाई, योद्धा सीएनजी मतलब मसली प्लस फ्यूल इफिशियंट, और ये देखो भाई साहब डीआरएस दिए हुए यार इसमें भी, ये देखो क्या जबरदस्त लग रही है इसकी लुक। और ये साइड में से आप मैं दिखाता हूँ, और इंटीरा बी बायोफ्यूल, भाई साहब इंटीरा बायोफ्यूल क्या करके मानेगा टाटा, मुझे लग रहा है टाटा भाई मारुति की तो रेल बनाई देगा, साथ के साथ ये कमर्शियल जो व्हीकल है इनकी भी रेल बनाने वाला है भाई पूरा का पूरा। ये देखो जबरदस्त सीएनजी का सिलेंडर है और इसके अलॉयज नहीं है, कवर लगा हुआ है, बट ये तो आ ही रहा है सीएनजी, ये तो योद्धा तो आ ही रहा है ऑलरेडी, और ये मेरे को लगता है ये भी आ ही रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं बट ये भी आ ही रहा है। देख आ जाओ भाई डार्क में एक्चुअली क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, डार्क में यहाँ पे खड़ी हुई है गाड़ी जो कि डार्क सी थी, मैं हैरियर डार्क भाई, और सफारी डार्क ब्लैक कलर का है, डार्क की मैजिक। हैरियर डार्क और क्या जबरदस्त लग रही है भाई साहब, हालांकि लाइट थोड़ी सी कम है बट आपको दिख रहा होगा फिर भी यार, वो लाइट चेंज कर दी, देखो यहाँ पे भी ये लाइट दे दी है, मेरे को लग रहा है पता नहीं क्या इसके रिफ्लेक्टर्स लग रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर्स नहीं भाई बल्ब है अंदर, मुझे देखो डार्क एडिशन। ये तो हो गई तुम्हारी हैरियर, अंदर का इंटीरियर भी डार्क है भाई, लेकिन सीट जो है वो रेड कलर की दे दी यार। पर्सनली मुझे स्पोर्ट्स के साथ ऑफकोर्स रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे पर्सनली रेड कलर पता नहीं क्यों अच्छा लगता है यार गाड़ियों के साथ, मतलब स्पेशली जो ये अंदर की सीट्स वगैरह है मुझे ये ठीक नहीं लगता है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है वो, बट इतनी जबरदस्त बाहर गाड़ी ब्लैक और अंदर रेड, इसके अलावा अगर हो सकता है कुछ भी और होता है मतलब मुझे नहीं पता, ब्लैक भी होता तो बढ़िया लगता। सफारी डार्क है और सफारी डार्क के अंदर देखिए कोई खास चेंजेस तो नहीं है, बट वही थीम अगेन की रेड कलर की दे रखी है, और स्टेयरिंग वगैरह जो है वो सब सारी चीज़ें बस वहाँ पे थोड़ा सा ये रेड दिया हुआ है, सीट्स जो है वो रेड दे दी हैं, बाकी पूरी की पूरी डार्क है।